गर्भवती महिला केशर नेबा कथा कि ना नुहे। केशर नेले तार कौन आडवांटेज कौन उपकारिता, केशर गर्भ समय रे केते परिमाण रे नेबा कथा, आउ को मंथ रु नेबा कथा, को मास रु नेबा कथा, केशर रो बैड इफेक्ट किंबा साइड इफेक्ट अछि कि ना नाही, केशर खाइले केते परिमाण रे खाइबो, आउ केबे थारु आरंभ करिवो गर्भ समय रे, ए सब नाना क्वेश्चन मोर ओपीडी टाइम रे आसे एवं कमेंट सेक्शन रे भी बहुत थोड़ा आसी। आज लाइव सेशन रे मध्ये केशर विषय रे दुईटा तीनटा क्वेश्चन आसी। आज मुझे भाविली आज केशर उपर ऑल द डाउट्स पाई गोटे वीडियो तैयारी करी। नमस्कार, मु डॉक्टर सुस्मिता साहू सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एसएस हॉस्पिटल। आज आपन को केशर बेनिफिट ऑफ केशर इन प्रेगनेंसी विषय वीडियो करूची। वीडियो रो शेष जाके देखंतु, लाइक एंड शेयर करंतु एवं जहाँ डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन को जाए कमेंट दियंतु। सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब करंतु, आउ बेल आइकन प्रेस करी फर्दर एंते इंटरेस्टिंग टॉपिक उपरे इंटरेस्टिंग वीडियोस पांतु। नाउ सर्वप्रथमे केशर कौन, केशर गोटे गच्छ फूल स्टिग्मा, से फूल से गच्छर ना होची क्रोटस साटाइवा। फूलर स्टिग्मा को केशर हिसाब रे व्यवहार करती। गोटे गच्छर चारिटा खंडे फूल हुए, आउ गोटे फूलर तीनिटा स्टिग्मा थाए, सेतिपाई केशर बहुत वैल्युएबल थाए, आउ बहुत कॉस्टली थाए एवं रेयर थाए। केशर जब से माने गोटे पाउंड केशर पाई अति कम रे 14,000 किंबा 15,000, 14,000 किंबा ताठु अधिका फूल दरकार हुए गोटे पाउंड केशर बनेवा पाई। सेतिपाई केशर सबुठ कॉस्टली स्पाइसेस इन द होल वर्ल्ड। ना केसर को गोल्डन स्पाइस काही की कुआ जाए, केसर जेहेतु सेटा बहुत कॉस्टली ताकु गोल्डन स्पाइस कहंती, एवं केसर जो खाद्य रे पका हुए तार टेस्टी बढ़ाए, खीर रे पकेले तार टेस्टी बढ़ी थाए, इवन मीठा सबुरे भी केसर पके तार टेस्ट बढ़ी था। एबे केसर रो उपकारिता विषय कहबी, बेनिफिट्स ऑफ केसर बा सैफ्रन विषय कहबी। नंबर वन होची डाइजेशन बढ़ी थाए, केशर फूड रो डाइजेशन बढ़ी थाए। सेकेंड होची इम्प्रूव्स मूड स्विंग, माने केशर रे गोटे तत्व अच्छी जोटा कि सीरोटोनिन, जोटा कि मूड स्विंग जोटा डिप्रेशन आउ चिड़चिड़ा लगे प्रेगनेंसी रे, सेटा केशर ताको इम्प्रूव करे, आउ स्ट्रेस हार्मोन कमाए, आउ ब्रेन रे गर्भवती महिलांकर ब्रेन रे ब्लड सप्लाई बढ़ी थाए, आउ सीरोटोनिन रिलीज करे जोटा कि फील गुड हार्मोन, आउ तांकर निश्चिंत भाबरे मूड स्विंग इम्प्रूव करे। नेक्स्ट होजे केशर बांति नौसिया किंबा वोमिटिंग कमे थाए, एवं कॉन्स्टिपेशन मध्य किछि परिमाण रे भलो करि थाए। केशर रे झाड़ा पतला हुए, आउ बांति मध्य कमी थाए, आउ इंटेस्टाइन रे गोटे कोटिंग टाइप रे करती जो थरे एसिडिटी कम हुए, आउ माने गैस फॉर्मेशन आउ एसिडिटी मध्य कमी थाए। केशर रे एंटीऑक्सीडेंट्स अछि जहा कि जेतु सेटा डाइजेशन रे हेल्प करे, तो फैटी फूड्स सब अधिका माने भोक परिमाण बढ़ी जाए केशर रे प्रेगनेंसी रे, आउ ट्राइग्लिसराइड्स एवं लिपिड प्रोफाइल मध्य संतुलित रखिथाय गर्भवती महिलांकर। केशर ब्लड प्रेशर मध्य कमे थाए, नियंत्रण को आने केशर रे पोटासियम एवं क्रोसिटिन गोटे तत्व अछि जहा कि ब्लड प्रेशर मध्य नियंत्रण को आनी थाए, हार्ट रिलेटेड डिजीज किंबा प्रॉब्लम मध्य कमेई थाए। अंटा पीड़ा माने बैक एक मसल क्रैम्प्स
थाइस रे किंबा काफ मसल्स रे मध्य किछि परिमाण रे कमेइ थाए जेहेतु ता केसर रे पोटासियम आउ एंटीऑक्सीडेंट्स थाए से ता मध्य क्रैम्प्स आउ बैकएक ए सब कमेइ थाए। केसर किछि परिमाण रे रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीजेस को कमेइ थाए जेहेतु तार एंटी इन्फ्लेमेटरी माने एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट अच्छी रेस्पिरेटरी ट्रैक रे किछि भी इन्फ्लेमेशन थिले ताहा कमेइ थाए एलर्जी मध्य कम करिथाए रेस्पिरेटरी ट्रैक्स रे सेति पई इन्फेक्शन कम हुए इम्युनिटी मध्य बढ़े। केसर भल निद आने जेहेतु ता धीरे सिडेटिव इफेक्ट्स मध्य थाए। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जेंति कि पिगमेंटेशन लाइक क्लोआस्मा माने पिगमेंटेशन मुंड रे किंबा चिक्स रे किंबा इनर साइड ऑफ थाइस रे पिगमेंटेशन सब अधिका हुए प्रेगनेंसी रे सेटा मध्य किछि परिमाण रे कमै थाए। नेक्स्ट होची माने स्किन रिलेटेड स्किन टेक्सचर मध्य मार भल करथाए। बाळ मध्य बहुत गर्भवती महिलांकर हेयर लॉस हुए बाळ मध्य हेयरलेस को भी मध्य कमाए। केसर रे कोआ हुए गरम उसुम क्षीर रे केसर पीले पिला जदि मूवमेंट कम थिबो मूवमेंट भलो हुए केसर मध्य इम्युनिटी मध्य बढ़ाए बोली कुहे। जेहेतु इम्युनिटी बढ़ाए प्रेगनेंसी टाइम रे इन्फेक्शंस लाइक परिसरा इन्फेक्शन किंबा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मध्य कम हुए। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन होउची एबे मु कहली केसर रो बेनिफिट्स कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन होउची केसर केते परिमाण रे खाइबा कथा आउ केबे खाइबा कथा। केते परिमाण रे खाइबा कथा 2-3 स्टिक्स माने स्टिग्मा खाइबा कथा केसर रो जदि ड्राई नौच तबे 2-3 स्टिक्स खाया कथा आउ केंती को वे रे खाया कथा को फॉर्मेट रे खाया कथा। दीटा फॉर्मेट अच्छी गोटे सोक्ड सोक करी खाया कथा खीर रे सोक करियो किंबा हाफ कप 1/4 कप ऑफ पानी रे सोक करिवो ओवरनाइट सोक करिवो केसर आउ खीर रे गोळी किना खाई पारिवो किंबा पाउडर फॉर्म रे भी खाई पारिवो बट स्टिग्मा फॉर्म रे खाइले प्योर पाइबो बोली जानिबो। नेक्स्ट होची केसर केबे टु खाइबा कथा। केसर आमे यूजुअली को 3 मंथ्स परे खाइया को आउ तार साइड इफेक्ट्स कोन आउ केते परिमाण रे खाइबा तो मु कहली 2-3 स्टिक्स मैक्सिमम केसर 250 मिलीग्राम केसर रु अधिका खाइबा कथा नुहे आउ 500 माने केसर रो साइड इफेक्ट्स होची। इट बेबी ऊपर तो केसर रो किछ साइड इफेक्ट नाही जदि परिमाण ऊपर के साइड इफेक्ट्स डिपेंड करची जदि परिमाण अधिका करलो तार खेती हेई पारे लाभ अपेक्षा सेति पय परिमाण को नियंत्रण रखिबे केसर खाइला बळकु आउ 3 मास परे केसर खाइबा उचित आउ तार लिमिटेड रखिबे 2-3 स्टिक्स किंबा ग्राम्स हिसाब रे धरले 250 मिलीग्राम रु अधिका खाइया कथा नुए मैक्सिमम 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम ऊपर खाइले आपन जेंति कहली बीपी ऊपर तार जेहेतु एक्शन अछि बीपी लो कर देबो आ मुंडो ता रिलेटेड मुंडो बुलेइबो डिजिनेस लागिबो बांति लागिबो से सब हबो किंबा इंडाइजेशन हो पारे वोमिटिंग हो पारे डायरिया हो पारे एसिडिटी अधिका हो पारे जदि अधिका परिमाण रे खाइबो जदि 1 ग्राम रु अधिका खाइलो ते ब्लड प्रेशर कमीबो ब्लड फ्लो टू द यूट्रस कमिला तो आईयूजीआर हो पारे इंट्रा यूट्रेन फेटल रिटार्डेशन हो पारे। 2 ग्राम रु अधिका खाइले मिसकैरेज जदि 3 मास भीतर खाउछ मिसकैरेज हो पारे किंबा अधिका मासरे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेले प्रीटर्म कॉन्ट्रैक्शन और प्रीटर्म डेलीवरी भी हो पारे सेतिपाई सबुठ इम्पोर्टेंट होची तार परिमाण खाइबो कम परिमाण रे खाइले
ସେଇଟା ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ କରିବ, ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ସେଇଟା ବେନିଫିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବେଶୀ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ସାଫ୍ରନ୍ କିମ୍ବା କେସର କିଣିବା ଆଗରୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ସାଫ୍ରନ୍ କିଣିବ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଲେବଲ୍ ଚେକ୍ କରିବ ତାର ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲରିଂ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡସଟା ବେଟର, ମାନେ ଗୋଟିକା ଷ୍ଟିଗ୍ମା କିଣିବାଟା ବେଟର ଦେନ୍ ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମ, ଅରିଜିନାଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କହିବି ମିଥ୍ସ ଆବାଉଟ୍ କେଶର, ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି କେଶର ଖାଇବାରେ। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କେଶର ଖାଇଲେ ପିଲା ଗୋରା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। କେଶର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି ପିଲାର ଗୋରା, ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଜିନ୍ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ କେଶର ଖାଇଲେ ପିଲା ଗୋରା ହେବ ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଏଇଟା ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। କେଶର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ଭ ସମୟରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ତିନି ମାସ ପରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦୁଇରୁ ତିନିଟା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥରରେ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇକିନା ସକାଳେ ଥରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥରେ ଖାଇଲେ, ରାତିରେ ଥରେ ଖାଇଲେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତି ବେଶୀ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କେଶର ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆହୁରି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଏବଂ ମୁଁ ଆହୁରି ଏହିପରିଆ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ହ୍ୟାଭ୍ ଅ ନାଇସ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।